अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़बर न्यूज़। मेरा नाम मुदस्सिर खान। इस वक्त हम फैज़ान मदीना मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर माशाल्लाह से तकरीर का समय है, किरत भी हो रही है और नातख्वां भी मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा और अच्छा निज़ाम है। बड़े अच्छे इंतजाम हुए हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी भी है, रेंजर्स के अहलकार ही मौजूद हैं। और माशाल्लाह से अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। रबी अव्वल मनाया जा रहा है, लोगों की माशाल्लाह बड़ी तादाद है और लोग रबी अव्वल को और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। एक बड़ी तादाद में लोग आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बूढ़े आएँ, तमाम लोगों ने अपनी शिरकत को लाजमी बनाया है। और फैज़ान मदीना में इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। कहाँ से? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, आप आज माशाल्लाह से 12 रबी अव्वल की रात है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब लोग दुरूद भेजते हैं आज और नात ख्वाह भी आते हैं और नात भी पढ़ी जाती है, आप बताएं आप किस तरह 12 रबी अव्वल को मनाते हैं? बिल्ला अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये बड़े रात है, हम सब खुश हैं, आज मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब खुश हैं। तो आप ख़ास तौर पर 12 रबी अव्वल के हवाले से, अगर पाकिस्तान आए या वैसे भी आते रहते हैं? नहीं, इसी वजह से मीलादुन्नबी की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या कहेंगे कि आप आएँ 12 रबी अव्वल मना रहे हैं, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान इस मुल्क में 12 रबी अव्वल मनाया जाता है ज़ोरों शोर से, इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि आज ये रात ज़बरदस्त रात है, ये रात इस रात में बहुत चीज़ हुआ, इस अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बहुत खुश हूँ और लोग भी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। मुहम्मद वाला अली सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बाकी वसलीम सल्लु अलैहि। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह।